इंडियन नेवी ने मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम से दागा गया, जिसने दुश्मन के एंटी शिप मिसाइल को मार गिराया। INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर में 32 एंटी एयर बराक मिसाइल तैनात की जा सकती है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। इसमें 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सकती है। इन दोनों मिसाइलों से लैस होने के बाद ये युद्धपोत समुद्री शैतान की तरह दुश्मन के जहाजों और विमानों पर मौत बनकर टूट पड़ेगा। MRSAM को DRDO ने इसराइल के IAI कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। इसराइल से भारत को मिली पराग मिसाइल भी MRSAM ही है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आर्मी वेपन सिस्टम को कमांड पोस्ट मल्टीफंक्शन रडार मोबाइल लॉन्च सिस्टम होता है। ये इसराइल की खतरनाक मिसाइल बराक 8 पर आधारित है। MRSAM मिसाइल पर 60 किलोग्राम वॉरलोड लगा सकते हैं। यह दो स्टेज की मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। एक बार लॉन्च होने के बाद MRSAM आसमान में सीधे 100 किलोमीटर तक टारगेट को गिरा सकती है।